आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल गुड्डू में नवीद का किरदार निभाने वाले इस हैंडसम अदाकार के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बताएंगे कि असल में ये कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं और ये किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे अहम बात कि शोबीज़ इंडस्ट्री की कौन सी मशहूर अदाकारा इनकी बीवी हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर उससे पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे ड्रामा सीरियल गुड्डू में नवीद का किरदार निभाने वाले इस हैंडसम अदाकार की, जिनका असल नाम बाबर खान है। ये एक टैलेंटेड और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। अदाकार बाबर खान 22 फरवरी 1987 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 35 साल है और अब ये अपनी फैमिली के हमरा कराची में ही रिहाइश पजीर हैं। अगर बात इनकी एजुकेशन की करें तो इन्होंने बहरिया कॉलेज कराची से अपनी तालीम मुकम्मल की है। इस हैंडसम अदाकार की आईज का कलर ब्राउन जबकि हेयर्स का कलर ब्लैक है और इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है और वेट तकरीबन 70 kg है। इनका मजहब इस्लाम है। अब अगर बात इनकी फैमिली की करें तो इनकी फैमिली में से किसी का भी शोबी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये अपने वालदैन के इकलौते बेटे हैं। अगर बात इनके मैरिड स्टेटस की करें तो ये शादीशुदा हैं। इन्होंने असल ज़िंदगी में 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी 2013 में पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा सना खान से हुई थी और 2014 में ये कार हादसे का शिकार हुई जिसके नतीजे में अदाकारा सना खान का इंतकाल हो गया। इसके बाद अदाकार बाबर खान काफ़ी देर तक डिप्रेशन का शिकार रहे और 2015 में इन्होंने दूसरी शादी अपनी कज़न बिस्मा खान से की, जो कि शोबीज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखती। इनके 2 क्यूट से बेटे और 1 क्यूट सी बेटी भी है। ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और अक्सर उनके साथ खूबसूरत लम्हात की तस्वीर शेयर करते रहते हैं। अगर बात इनके शोबीज कैरियर की करें तो इन्होंने मॉडलिंग से अपने कैरियर का आगाज़ किया। ये बेशुमार टीवी कमर्शियल्स और टॉप फैशन ब्रांड्स के लिए फ़ोटोशूट और रैंप पर वॉक करते हुए भी नज़र आते हैं। मॉडलिंग में बेपनाह नाम बनाने के बाद इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इनका पहला ड्रामा शहरे दिल के दरवाजे 2010 में ऑन स्क्रीन देखा गया, जिसमें इनकी शानदार अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में काम करके इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, लेकिन इन्हें ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल एक तमन्ना ला हासिल की, थोड़ा सा आसमान, हिना की खुशबू, मोहब्बत ख्वाब, सफ़र, एक लड़की, आम सी, भरोसा, प्यार तेरा जैसे ड्रामों से मिली। इन तमाम ड्रामों में इनके मुनफरद किरदारों को बेहद पसंद किया गया और यही ड्रामे इनकी वजह पहचान भी बने और ये आजकल हमें ड्रामा सीरियल गुड्डू में अदाकार टीपू शरीफ के साथ अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी तो नाजरीन, आपको इस टैलेंटेड और हैंडसम अदाकार बाबर खान के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।